डॉक्टर। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के बाद में गंगा बहन की आंखों में रोशनी आ सकती है। लेकिन शंकर, मैं बोलता हूँ यार, गंगा बहन को अंधी ही रहने दे, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं भी अंधा होने वाला हूँ। दोनों भाई बहन मिलकर भीख मांगेंगे और घर का खर्चा पूरा करेंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ। तुझे मालूम है ऑपरेशन में 5,000 रुपए का खर्चा है। 5 साल में 25,000 पॉकेट मारे होंगे, जिसमें से मुश्किल से 2,500 रुपए निकले होंगे। 5,000 कहां से लाएंगे यार? इसके लिए तो बैंक तोड़ना पड़ेगा। जाओ बैंक तोड़ो और जेल में जाओ। सुंदर, गंगा को मैंने अपनी बहन माना है। उसकी आंखें ठीक हो जाएं, वो अपने बच्चे को देख सके, अपने पति को ढूंढ सके, उसके लिए जेल क्या मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं। कल 5,000 का इंतजाम हो जाएगा। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। भागे साले, आपने
पुलिस ने फोन कर दिया बेटे 4-5 हजार रुपया चार्ज हमने मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा बहुत प्लीज डॉक्टर अटेंड डॉक्टर प्लीज मिस्टर प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शंकर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल थैंक यू डॉक्टर साहब लेकिन कब तक देख सकेगी यही 2 हफ्ते के बाद पट्टी खुलेगी और वो देख सकेगी डॉक्टर साहब मैं अंदर जा सकता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर जरूर लेकिन होश में आने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाएंगे जाइए जाइए यार शंकर जैसे अपन दोनों उल्टे बैठे हुए ना वैसे ही अपनी किस्मत की गृह दशा उल्टी है वो कैसे देखना यार वो मेरी जो है ना शीला वो सीधी है उसकी माँ उल्टी है तेरी लड़की का दादा सीधा है और मेरी लड़की उल्टी है तू अब जल्दी से उसे सीधी खड़ी कर दे देख उसका दादा जिंदा है तब तक तू अपना काम बना ले वरना सच्ची बोलता हूँ अपनी वही हालत हो जाएगी जो पहले थी बाबा मन की आंखें खोल बाबा मन की आंखें खोल यार मन की आंखें खोल तू आशा की आंखों पर तेरे प्यार का पर्दा डाल दे ताकि अपनी गरीबी का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाए तो पर्दा डालना ही पड़ेगा सुंदर कान खोल कर सुन ले तुम सिर्फ शंकर मदन का सॉन्ग रचने के लिए रखे गए हो आइंदा अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो धक्के मारकर निकलवा दूंगी तुम क्या निकलवाओगी मैम साहब मैं खुद जा रहा हूँ तुम भी कान खोल कर सुन लो फिर मेरे पास रोती बिल बिलाती अपने ग्रैंडपा की जान की दुहाई देती हूँ मत आना हाँ हाँ नहीं आऊंगी चले जाओ यहाँ से